तो दोस्तों, मैंने आज सुबह में एक रील देखा, जिस रील के हिसाब से अगर हमें बहुत अच्छे से और बहुत सटीक से 1 करोड़ रुपए बनाना है, वो भी 1 लाख रुपए यूज़ करके, 1 लाख टू 1 करोड़, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, जो कि सिर्फ तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन एक काम करना है कि हमें 1 लाख रुपए के 50-50 हज़ार रुपए के 2 शेयर जो है वो बाय कर देने हैं, बराबर, और दोनों में कंबाइंड 20% प्रॉफिट जो है वो हमें निकाल लेना है यहाँ से। और ये करते समय पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना फेल हुए हमें कंसेक्यूटिव 25 बार अगर ये चीज़ कर ली तो यहाँ पे 1 करोड़ जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों, कैलकुलेटर के ऊपर में तो पॉसिबल है, एक काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर के ऊपर में देख लेते पहले कि ऐड तो आगे भाई, यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपये जो है वो हमने, फॉर एग्जांपल 20% जो है वो हमें 3 महीने में निकाल लिए, या फिर 6 महीने में अगर हम 20% अचीव कर पाए, या फिर 1 महीने में कर पाए, यहाँ पे 1 महीने में होना तो लगभग बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। ऐसा इंट्राडे करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार 20% तो क्या कुछ भी नहीं है, हम लोग तो रोज के 100-100% निकाल दें, लेकिन नहीं, इक्विटी के अंदर में दोस्तों टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट अगर करके देखें कि हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कितने करोड़ हो गए हैं, अरे बाप रे, ये तो 563 करोड़, मतलब 563 करोड़ तो बहुत होते हैं भाई। इसको एक काम करते, क्वार्टरली रख देते, इसको देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। क्वार्टरली अगर करते तो 48 लाख रुपये बन जाएंगे उसके 5 साल में, ओके, 1 लाख रुपये के। तो अगर ऐसा पकड़ के चलिए, आप हर महीने के अगर 8% में निकालते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पे इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे क्वार्टर नहीं, सॉरी, मंथली करना था। यहाँ पे 8% अगर आप निकालोगे तो 1 करोड़ रुपये जो है वो इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेन ले लिया है। अभी ये सुपर ट्रेन कौन सा वाला है, किवान का, एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद में देखिए, मैं एक्चुअली मुझे ये बात आज सुबह में पता चली है, तो इसे मुझे कुछ पूछना मत कि यार आपका पोर्टफोलियो दिखाओ या फिर आपने कितना कमाया ये दिखाओ। दोस्तों, मुझे जो समझ में आए मैं सिर्फ वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस, बाकी इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं है। अगर आप 2-3 साल बाद ये वाला वीडियो देख रहे हो तो हाँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि यार आपका पोर्टफोलियो देखो, आपने इससे कितने पैसे कमाए, बराबर, तब मैं इसको दिखाने के लिए लाइव बैठूंगा। ये चलिए सुपर ट्रेंड, ये देखिए किवान उज़बिल जी का ये वाला सुपर ट्रेंड यहाँ से हम लोग उठा लेते। टाइम फ्रेम है 1 दिन की, 1 डे की कैंडल। यहाँ पे इक्विटी के अंदर में काम करना है तो टाइटन ले लेंगे। अबे एंट्री कब करनी है हमें, यहाँ पे सेल में तो अभी सेल का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये वाली चीज़ होती है कि वो सेल करके बैठ जाएंगे, हमारे लेवल पे ये नहीं होती भाई। रिटेल के लेवल पे, रिटेल के लेवल पे बाय करके होल्ड करना है। यहाँ पे देखिए हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल जब बाय सिग्नल देता है उसके अगली वाली कैंडल पे, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर बार में ये बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड लैगिंग इंडिकेटर है, वो अगर आपको बाय सेल दिखा रहा है तो उस कैंडल पे जाइए ही मत। टाइम फ्रेम कौन सा भी रहे, 1 मिनट का यूज़ करिए या फिर 1 दिन का यूज़ करिए या फिर 1 मंथ का यूज़ करिए, आपको जहाँ पे बाय सिग्नल बजाता है वहाँ पे करना नहीं, या फिर सेल करता है वहाँ नहीं, उसके अगले वाले कैंडल पे एंटर कर देना है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया अपना 10% का जो स्टॉप लॉस है वो बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम करेंगे रिसेंट स्विंग जो है वो रिसेंट स्विंग को यहाँ पे SL कंसिडर करके चलेंगे, मतलब ये वाला जो हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसके अंदर में। और जो टारगेट है, टारगेट यहाँ पे 15% का भी अगर पकड़ लेंगे तभी बहुत है, हमें तो वैसे 8% ही चाहिए, फिर भी हम लोग 15% पकड़ के चलेंगे, क्योंकि 15% मोस्ट ऑफ द केसेस में अचीव हो जाता है। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर ये तो इजीली अचीव हो ही गया। अगर इससे पहले की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रही थी अपनी एंट्री, यहाँ पे आ रहा था ऐसे, उसने टाइम लिया, टाइम कितना लिया यहाँ पे देखिए आप। ये वाली चीज़ भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि यहाँ पे कुछ लोगों को गलत फहमी ना हो जाए कि यार हर महीने में इतना निकालेंगे तो 2 साल में इतना पैसा बनाएंगे, 3 साल में इतना पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। हर एक स्टॉक जो है वो हर मंथ में 10-10-20% नहीं भागता है, हमें वैसे भी 8% चाहिए 5 साल के लिए, तब 1 लाख के 1 करोड़ बन जाएंगे। फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री करी थी 18 अगस्त को, और 18 अगस्त से लेके ये वाला चला है 7th of December तक। तो 7th of December तक क्या होता है,
ओके आज से देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब 4 महीने लिए इसने, लेकिन 4 महीने में हमें जो अपना 15% है वो उसने निकाल के दे दिया है। अगले वाले स्टॉक पे जाएंगे, बजाज फिनांस। ये एक्चुअली बड़े बड़े स्टॉक्स है। और दोस्तों और एक बात मुझे बतानी है आपको कि अगर आपको परसेंटेज वाइज इसके अंदर में प्रॉफिट निकालना है तभी आप इसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक आधा स्टॉक फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का है, मैंने कहा कि यार इसके अंदर में हमें 10% लेने हैं, तो 10% मतलब इसके हो जाएंगे 100 रुपये बराबर, तो आपको या 100 पॉइंट, तो आपको एक काम करना है इसके अंदर में अगर 10% इतना निकलता है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 100 रुपये का अगर स्टॉक ले लोगे तो जहाँ पे ये वाले स्टॉक 50 आने वाले हैं 50,000 में, वहाँ पे ये 500 आ जाएंगे। फिर भी दोस्तों अगर ऐसा भी होता है तभी भी आपका जो 10% है वो इतना ही निकलेगा जितना ये 1,000 वाले स्टॉक का निकलेगा, उतना ही आपका जो है वो रिटर्न जनरेट होगा। तो इस वजह से ऐसी कुछ बात नहीं कि ये वाला स्टॉक छोटा है ये वाला बड़ा है, तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर भी अगर छोटा स्टॉक अगर कोई लेना होगा तो यहाँ पे चलिए, टाटा मोटर तो छोटा वैसे रहा नहीं है, टाटा मोटर तो बड़ा स्टॉक है अभी, तो मतलब बहुत सारे रिटेल जो दोस्त हैं हमें रिटेल में जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से अभी IOC के अंदर में आई है। ये देखिए 147 वाला, ये एक्चुअली मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं उसके, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है 155 का तो इसके बाद में मैं एंटर करने वाला हूँ, क्योंकि मल्टी मंथ का जो है वो ब्रेकआउट है। फिर भी चलिए आज ब्रेकआउट की बात नहीं हो रही, आज हो रही है यहाँ पे बात। यहाँ पे देखिए लॉन्ग की पोजीशन कहीं पे भी यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका हिट होता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं रिसेंट जो लो है वो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस 7 रुपये 70 पैसे का, और यहाँ पे अपना 15% ईजिली अचीव। ओके और यहाँ पे अभी तो वो भगी रहा है, थोड़ा सा पीछे आने के बाद में यहाँ पे भी ITC के अंदर में भी आप देख सकते हो, किसी के अंदर में भी देखोगे तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट ईजिली अचीव हो गया है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में SBI भी अगर देखोगे आप तो SBI के अंदर में भी देखिए, हालांकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट अगर करना होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा हमारा बाय, यहाँ पे आएगा हमारा SL। ये देखिए अभी जो रिसेंट स्विंग है वो बहुत नीचे जा रहा है बराबर, तो इस वजह से हम लोग 5% का जो है वो पकड़ लेंगे, या फिर रिसेंट स्विंग जो छोटा रहेगा वो हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे फिलहाल में 5% और यहाँ पे आ रहा है आपका 15%, यहाँ पे 15% अब तक तो अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप चलता ही जा रहा है 15% यहाँ पे ऊपर में आ रहा है, तभी स्टॉक का बहुत ऊपर जाना है। स्टॉक उसका हाई ब्रेक करके 685 तक आएगा तब इसका 15% जो है वो अचीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहता हूँ, थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि एक्चुअल में पैसा बन भी रहा है या फिर ये वाला सिर्फ कैलकुलेटर गिरी है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 50-50 का भी मामला है, अगर कैलकुलेटर की सुन ले तो ये वाला तो बहुत ही ईजी लगता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की सुने तो इसके अंदर से 20% पर मंथ का निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, मैं नामुमकिन नहीं कहता लेकिन मुश्किल है। और अगर यहाँ पे हमने जैसे 8% का देखा, अगर आप 8% का हर मंथ में रिटर्न अगर जनरेट कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया, 1,00,000 रुपये के अगर आपको 8,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पे, तो 8,000 रुपये आपको शायद आज छोटे लगेंगे लेकिन एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अभी यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर में आके देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके मैं यहाँ पे मंथली जो है वो ब्रेक डाउन करूँगा इसको, मंथली ब्रेक डाउन करने के बाद में आप देखिए एक साल में आपके 2 लाख मतलब 2.5 लाख बन जाएंगे बराबर, ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। उसके बाद में आपका इंटू थ्री, आप एक ईजी कैलकुलेशन करके चले इंटू थ्री करके चले, ये देखिए आपके दूसरे साल में 6,34,000 हो गए, ये भी आपको लगेगा कि यार 2 साल में कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर में कि एक दिन में करोड़ों मिल जाएंगे बराबर, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए वेल्थ क्रिएशन इसे कहते हैं, आपको तीसरे साल में 15 लाख, चौथे साल में 40 लाख बराबर, यहाँ तक चौथे साल तक अगर आपने जो है वो लगन से काम कर लिया 8% का जो कि बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे 5वें साल में आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, और उसके बाद में आपको इसके 3 करोड़ मतलब यहाँ पे अगर आप करके देखो ना 10 साल कैलकुलेट, यहाँ पे देखिए ये तो यार भाई आप तो रिचेस्ट में आ गए पर मंथ 8% का रिटर्न, अगले बिग बुल तो आप ही हो गए ना अगर इस हिसाब से काम किया तो बराबर।
दोस्तों इसके अंदर मैं ज़्यादा डीप जाता नहीं हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप गए तो यार बुद्धि बंद पड़नी चली हो जाएगी। हम लोग एक काम कर रहे हैं, अभी प्राइज एक्शन के ऊपर में जो सीरीज़ है वो चालू करने की यहाँ पे सोच रहे हैं, प्राइज एक्शन के ऊपर में, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में। चलिए अभी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।